कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है, किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं। इनकी करुणा कि कोई भी भव सागर से पार होना चाहते हैं उनको पार उतार देते हैं, कोई भी किसी के भीतर कोई ग्रंथि हो मोहनीय कर्म की, मोह कर्म को दूर करके कैवल्य प्रकट करवा देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को अनंत अनंत नमन करते हैं। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अमृतमयी वाणी को आप श्रवण कर रहे हैं, उस प्रभु के ज्ञान को, उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु की मैत्री को, उस प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। प्रभु जैसे आपने अपनी साधना से, ज्ञान से, तप से, दृष्टि से संसार सागर से पार हो गए और लाखों लोगों को पार करवा दिया और अनंत कार जाते जाते भी आपने इतनी देशना दी उत्तराध्यायी सूत्र के रूप में, प्रभु आपकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन करते हैं। उत्तराध्यायी सूत्र का पहला अध्ययन मुनि जी आपको बहुत गहराई से समझा रहे हैं, आप भी समझें। ये सूत्र केवल सूत्र नहीं है, ये हमारे जीवन की उपलब्धि का, जीवन की कसौटी का, जीवन निर्माण का बहुत बड़ा एक उपक्रम हो सकता है। आपने सूत्र पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, रख दिया, इससे कुछ परिवर्तन नहीं होता। उस सूत्र को हम आत्मसात करें, उसकी गहराई तक जाएं, उसको समझें और जानें, उसको अनुभव करें। हेलेन कीलर एक बहुत बड़ी विदुषी महिला हुई है, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, कानों से सुनाई भी नहीं देता था, बहरी और गूंगी थी, परंतु जितना काम उसने थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण किया, संस्थापक बनी, बहुत उसके भीतर करुणा मैत्री भरा हुआ था। वो कहती थी, दोज हु हैव द आईज डू नॉट सी, दोज हु हैव द ईयर डू नॉट हियर, दोज हु हैव द हार्ट दे डू नॉट फील एट ऑल। लोगों के पास आंखें हैं, वो देखते नहीं आंखों से, लोगों के पास कान है, वो सुनते नहीं कानों से, लोगों के पास हृदय है, वो किसी के लिए धड़कता भी नहीं है। Those who have the eyes do not see, those who have the ears do not hear, those who have the heart do not feel at all। कितनी गहरी बात की उसने, सच में ऐसा ही है। हेलेन कीलर ने जो कहा वो सत्य था, बहुत करुणा थी, मैत्री थी उसके जीवन में। कहते हैं जब भारत में आई तो यात्रा करती थी और अपने पास एक फूलों के बीच एक झोले में रख लेती थी, चाहे वो ट्रेन में सफ़र करती थी, बस में सफ़र करती थी, तो आसपास वो फूल बिखेर देती थी। लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे, ये फूल हैं, फूलों के बीज हैं, बरसात आएगी वो बीज उगेंगे और फूल लगेंगे, फल लगेंगे। उसने कहा,
क्या तुम देख पाओगी जब ये फूल बीज फूल बनेंगे फल लगेंगे? उसने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, आज मैंने फूलों के बीज डाले हैं तो समय आने पर वो अंकुरित होंगे, वर्षा होगी आसमान से, वो बीज बने, बीज पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फूल आएंगे, फल लगेंगे। तो कोई भी राहगीर यहां से गुजरेगा वो फूलों की सुगंध लेगा, वो हरी भरी धरती पर आनंदित होगा। फिर किसी ने प्रश्न किया, क्या तुम जान पाओगी, क्या वो तुम्हारा नाम लेंगे कि ये बीज किसने डाले थे और वो आपका नाम लेंगे? हम क्या करते हैं अक्सर, जो भी कार्य करते हैं किसके लिए करते हैं? शिव मुनि का नाम रहे, शिव मुनि का चमासा बढ़िया हो जाए, शिव मुनि की जय जयकार लगे, ये धर्म है। यदि मेरे मन में ये भावना है कि मैं यहाँ चतुर्मास करके अपना नाम स्थापित करके जाऊँ और लोग मुझे याद रखें और मेरी जय जयकार लगाएं, तो क्या होगा? महावीर की दृष्टि से धर्म ही नहीं है, ये सारा अज्ञान है, ये मोह है, मिथ्यात्व है। क्यों? तुम करने वाले कौन, तुम हो कौन, तुम कर रहे हो? आत्मदृष्टि से देखो जो हो रहा है प्रकृति से हो रहा है, जो होना होता है वो होगा। धर्म तुम्हें निमित्त बनाता है और तुम क्या करते हो, कर्ता भाव में आ जाते हो, मैंने किया। चतुर्मास हुआ, अलग अलग ड्यूटीज लगी, बहनों की, भाइयों की, युवाओं की, आप लोग आए, इसमें मेरा क्या रोल है भाई, मैंने क्या किया, बोलो मैंने कुछ किया? हाँ ना तो बोलो। एक अवसर मिला आप सबको करने का, उसमें कहूं मैंने किया, मैंने किया, चतुर्मास मैंने किया। ये महावीर की दृष्टि में ये अज्ञान है, ये मोह है, ये मिथ्या तो है, इससे आपको कुछ मिलने धर्म नहीं होगा, ये तुम्हारा पुण्य बन जाएगा, वो क्रियाएं हो जाएंगी पर धर्म नहीं होगा। प्रभु की वाणी सुन रहे थे, प्रभु ने कहा कितनी प्रार्थनाएं तुम कर रहे हो कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरी जय जयकार हो जाए, मैं ऐसा कर लूं, ये प्रार्थना सारी क्या है, मिथ्यात्व की प्रार्थना है। तुम मांगने वाले कौन, तुम करने वाले कौन? महावीर की आत्मदृष्टि को देखोगे तो तुम समझोगे तुम कर्ता हो ही नहीं। कर्ता कौन है आप बोलो, तीन महीने हो गए सुनते सुनते, कुछ तो याद रखो, कुछ लिख लो, कर्ता कौन है? पर इनमें जो आत्म तत्व है वो क्या है? आपने तीन महीने साधना करते करते हो, आत्म तत्व क्या है? आत्म तत्व का स्वभाव मात्र दृष्टा, तुम दृष्टा भाव में रहो, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा है तुम्हारी। और तुमने कर्म, यदि आपने कहा मैंने किया, तुमने कहा, सारे झगड़े कहाँ होते संघ में? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ संघ में कोई झगड़ा नहीं, कोई हमारे पास आके शिकायत नहीं करता, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कह दिया, कोई आता भी नहीं हमारे पास। क्यों? नहीं तो हमेशा कहीं जगह संघ में उफल तिपल होती है, मेरा नाम नहीं लिया गया, सारी झंझट ही खत्म, किसी का नाम लेना ही नहीं, किसी के जयकारे लगाने नहीं, किसी को शाल माला पहनाई नहीं। तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा, सब में आत्मा, फिर आत्मा को क्या ऊंचा नीचा करना? आपको अच्छा लग रहा है ना, बोलो ठीक लग रहा है ना? या हमने कोई रखा ही नहीं, किसी को शाल नहीं, किसी को माला नहीं, किसी का स्वागत नहीं, कुछ नहीं, सब आओ कि समोसरण भी हमारा नहीं है, नाम लिख दिया ये महावीर का समोसरण,
ये महावीर का तीर्थ, हम महावीर के साधु, तुम महावीर के श्रावक बन जाओ, हम साधु बन जाएं, तिन्नानंग तारी अनंग बुद्धानंग बोही अनंग मुद्दानंग मोयगानंग हो जाएगा। धर्म को समझो, महावीर के धर्म को समझो, तुम्हारा मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा। जब बीच में मैं अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को लगाता हूँ तो कर्मों का बंधन होता है, अहंकार स्थापित होता है। कितने बड़े बड़े कोई भी चाहे क्रियापंथी फलाने पंथी वो जाते हैं, अपना नाम लेते हैं और अपने धर्म की स्थापना करते हैं और अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, वो धर्म को समझे नहीं। धर्म, कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति किसी की निंदा करेगा नहीं, अपने को ऊंचा समझेगा नहीं और कहेगा कि मैंने धर्म स्थापित कर दिया। नहीं, कभी महावीर ने कहा कि मैंने धर्म स्थापित किया? 24 तीर्थंकर हो गए, किसी तीर्थंकर ने लाखों लोगों को महावीर ने मोक्ष तक पहुंचा दिया। वर्तमान में सिमंदर स्वामी भगवान, जिनकी अनंत अनंत कृपा बरसती, आने वाले 24 के 7वें 8वें तीर्थंकर तक वो विराजमान रहेंगे। कभी उन्होंने कहा कि मैं धर्म दे रहा हूं, मैं आपको साधना दे रहा हूं? वो भी कहते हैं कि हम तो निमित्त हैं, लेने वाला लेगा, नहीं लेने वाला नहीं लेगा। तुम्हारा भाग्य होगा तुमको मिल जाएगा। और यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे जिनको बार बार कहते हैं हम, भाई एक शिविर तो कर लो, दो दिन का तो कर लो, चार दिन का कर लो। बहुत लोगों ने किया है परंतु फिर भी वो नहीं कर पाए। हम क्या कर सकते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं, ये संघ क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर। जबरदस्ती किसी को थोपा नहीं जा सकता। तुम्हारी अंदर की रुचि होगी, प्यास होगी, किसकी रुचि, अपने प्रति रुचि कि मैं आत्मा हूं, सिर्फ सिर्फ मैं आत्मा हूं। केवल अपने को जान लो, अपने को समझ लो, अपने पर श्रद्धा रखो और अपने लिए पुरुषार्थ करो और किसी के लिए कुछ नहीं करना। तुम कहो ये स्वार्थी, ये स्वार्थ नहीं है, ये सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में आत्मा, ये देह अनंत बार मिला है और अनंत बार चला जाएगा। हमने मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा कुल परंपरा मेरा तेरा करके शरीर के धर्म को अपना मान लिया और आत्मा के धर्म को गौण कर दिया। इसलिए हम 4,84,00,000 जीव अजन्म में भटक रहे हैं। चाहे हम मुनि हैं, चाहे आप श्रावक हैं। यदि कर्ता भाव का पोषण किया किसी ने कि ठीक है तुम्हें सब कुछ करना होगा, तुम संघ के अधिकारी हो, तुम्हें व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तुम्हें धन भी इकट्ठा पड़ेगा, तुम्हें मांगना भी पड़ेगा, तुम्हें दो शब्द कहने भी पड़ेंगे। कई बार हम भी आपको ऊंचा नीचा बोल देते हैं, उसके पीछे हित है हमारा और आपका कि हम संघ के एक सदस्य हैं। ये महावीर का संघ है, ये मेरा तेरा नहीं, ये महावीर का तीर्थ है। कभी मैंने भी आपको कठोर वचन कह दिया और आपने भी मुझे कह दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बच्चे को डांटती है, भले के लिए डांटती है, पर माँ अंदर से कोमल हाथ रखती है, ऊपर से डांटती है। ऐसे ही संघ के लिए, धर्म के लिए, साधना के लिए कुछ कहना पड़े। विनय धर्म क्या कहता है, जो शुभ मुनि जी आपको बता रहे हैं, विनय रखो माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, संघ के प्रति, धर्म के प्रति, परिवार के प्रति विनय भाव रखो। और विनय, जहाँ विनय होती है वहाँ अहंकार आता ही नहीं, वह कर्ता भाव आता ही नहीं। विनय आपको आत्मधर्म में स्थिर करता है। आप करके देखो, आप निहाल हो जाओगे, आप कुछ हो जाओगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध आत्मा, वो तुम्हारे अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में आत्म तत्व विद्यमान है। तुम उसका अनुभव कीजिए। विचार आएंगे चले जाएंगे, मन
कि संकल्प विकल्प, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम इंद्रियां भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, ये सब पुद्गल हैं, बदलने वाला है। आज विचार कुछ हैं, कल को कुछ हैं, इंद्रियां आज हैं, कल और विषय पर चली जाएंगी, बुद्धि निर्णय आज लेती है, कल को बदल जाता है। जो बदलने वाला नहीं, जो साक्षात तत्व तुम्हारे पास है, वो हर गति हर योनि में, सिद्धालय में यही आत्मा जाएगी, चार गति 84 लाख जीव योनि में यही आत्मा जाएगी। एक आत्म तत्व को जान लो, सब जान लोगे। यदि आत्म तत्व को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। ये महावीर की साधना का रहस्य है, ये जीवन की अनमोल पूंजी है। जब भी चाहो मोक्ष जाओ, इसी भाव से जाओगे, आत्म तत्व को जान करके जाओगे, और कोई मार्ग है ही नहीं मुक्ति जाने का, सिद्धालय जाने का। आत्मा में 8 गुण हैं, वो प्रकट करो, भीतर हैं, छिपे हुए हैं। जैसे मोहनीय कर्म क्षीण होगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा। 8 गुण आत्मा में विद्यमान हैं। डूब जाओ भीतर, महसूस करो अपनी चेतना को, जो अंग अंग कन कन रोए रोए खून के कतरे कतरे में विद्यमान है, वो तुम हो। उसमें जो श्वासें आ रही हैं, वो जा रही हैं, तुम धर्म में हो। तुम्हारी कर्मों की नजरा है, जो श्वासें तुम्हारी आत्मा में आत्मरमण में चली गई, धर्म में चली गई, कर्म नजरा में चली गई, जो श्वासें शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, कर्ता भोक्ता भाव में आ गई, वो कर्म का बंधन हो गया। जो श्वास से दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, मैं नहीं आत्मा, दृष्टा और ज्ञाता है, ये बहुत गहरी साधना है, धीरे धीरे समझ में आएगी। जन्मों जन्मों से हमने कर्ता भोक्ता बने हैं, मैंने परिवार के लिए ये कर दिया, मैंने संघ में ऐसा कर दिया, कर्ता मत बनो, दृष्टा बन जाओ, स्वयमेव कर्मों की नजरा होगी। महावीर की सारी साधना ज्ञाता दृष्टा भाव की है, आत्मा की है, आत्मा के गुणों की है, आत्मा पर श्रद्धा रखने की है, आत्मा में डूबने की है, आत्मा में स्थिर होने की है। आत्मा सब में, आत्मा मुझ में, आत्मा सब में, आत्मा नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सप्सावनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तबो देवावितंग, नमंग संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली वानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली वानतो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे शरण दुख हरण जगत में कोई होगा, जो भय प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पर होगा, उसका सदा